वालेकुम हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वाली वीडियो रिकॉर्ड करने लगी लेकिन आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ है कि सारा टेक्सचर उड़ के उधर जा रहा है, फ़ायदा कोई नहीं है, फिर जो है ना मेरा टेक्सचर ही वेस्ट होता है। अच्छा जनाब, मैंने कहा चलो व्लॉग बना लेते हैं, आप लोगों के साथ कुछ अपडेट्स दे देते हैं। मैंने ये देखे, मामा ने जो है ना ये शेप्स बना दी हैं, ठीक है। ये गोल्डन रेड सैंड है और इसकी चंद शेप बनी है। और मैं अपना पिछला व्लॉग जब देखती हूँ ना, एक दो साल पहले, इतनी ज़्यादा होती थी कि संभाली नहीं थी जाती। और ये देखें, ये ब्राउन डर्ट, ठीक है, जो कि न्यू टेक्सचर बनाया था ना हमने, ब्राउन डर्ट, चॉकलेटी ब्राउन डर्ट टेक्सचर, ये वो वाली डर्ट है, ठीक है। इसकी वीडियो भी बड़ी मुश्किल से सुबह थोड़ी सी रिकॉर्ड की है, बाकी अब मैं कोई 4 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि वो ना सुबह का मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर कर दिया होगा तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। और अभी ये देखो, हवा जो है ना इतनी तेज़ है। और डस्ट प्ले मैं क्यों नहीं करी, क्योंकि मेरे आगे मुझे खांसी बहुत हो रही है, तो मैं इसलिए डस्ट प्ले नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा, मैं आगे जो है ना, पहले डर्ट्स की क्रमलिंग नहीं की थी, अब हम डर्ट्स से स्टार्ट करते हैं, ताकि आप लोग ये ना को इन्हों वेखती नहीं है, बस आँधी है ऐ करके तो चली जाती है। ग्रीटी मर्डर से क्रमलिंग स्टार्ट करते हैं। फुल क्रिस्पी हुआ पड़ा टेक्सचर। चलो इधर आते हैं। ब्लैक डर्ट की भी क्रमलिंग, ब्लैक डर्ट को ना मैं टप में क्रमलिंग करना चाहिए, मैं टप लेकर आती हूँ, छोटा टप जो है ना। इसमें वो रेड डर्ट वाला टेक्सचर है, पहले टप टेक्सचर जो है ना वो साफ कर ले। एक मिनट, चले अब हम इसमें ब्लैक डेट की तसल्ली से क्रमलिंग करते हैं।
ठीक है। अब इधर आते हैं, ये वाला गाची वाला टेक्सचर, गाची वाला टेक्सचर की पूछ रहे आप लोग, गाची वाला टेक्सचर किधर, ये है जी गाची वाला टेक्सचर। चलो ये भी हो गया। इधर आते हैं, ये जबीन शगुफ्ता, उन्होंने कहा था ये वाला टेक्सचर मुझे डेडिकेट करना, लेकिन मैं वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं की अभी तक, लेकिन फिलहाल हैप्पी बर्थडे टू यू, और ये आपके लिए। इसको फिर ऐसे कर देते हैं ताकि ये पता चले भी इसी का ही है। हाँ जी, दिस इज वाइड्रेट आवर न्यू आवर सबसे ओल्ड टेक्सचर। जिम चौक की तरफ आते हैं, ये वाला जिम चौक तो दोबारा टप में डाल के फिर उसको सही करना पड़ेगा। हम लोग फिलहाल ये वाला जिम चौक ट्रम्बल करते हैं इधर ना। ये इसका नहीं है, ये इसी का आगे वाले का नीचे बन रहा है जी खाना। तिन्ने मामे तो तिन्ने मामे है। चलो इधर को आते हैं जी, यहाँ पे पहले तो यहाँ से ना सफाई करनी चाहिए ताकि फिर जो है ना अच्छे से वो हो जाए क्रमलिंग, लेकिन मैं उस साइड पे कर दूँगी, अभी इस साइड पे नहीं करते। यहाँ पे देखो कितनी सारी डस्ट है जो कि इकट्ठी हुई है, ओशन सैंड की भी हमने क्रमलिंग नहीं की, कितने लेट हो गई है। टप ही भर लेने फिर वो ही कर लेने, पर टप गीला है ना, क्या करें। ये वाले सोपर फटते हैं और यहाँ से सारा जगह साफ।